के साथ विहार करते देख आसक्त हो गई। इस कारणवश यज्ञ में विलंब हो गया तथा ऋषि जमदग्नि अति क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने तपोबल से अपनी पत्नी के मानसिक आसक्ति को जान लिया और तत्क्षण अपने चारों पुत्रों को उनकी माता का वध करने का आदेश दिया। किंतु उन चारों ने ऐसा करने में अपनी असमर्थता जता दी। इससे क्रुद्ध ऋषि जमदग्नि ने तत्क्षण अपनी क्रोधाग्नि द्वारा चारों पुत्रों को भस्म कर दिया। क्षमा कीजिए स्वामी, मेरे हाथों ये अपराध हुआ है। इसका दंड आप किसी और को ना दें। स्वामी मुझे क्षमा कीजिए। जब परशुराम वहां आ पहुंचे तो अपने चारों भाइयों के भस्म हुए शरीर को और अपने माता को आप